भूतपूर्व एवं स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के मौके पर वार्ड क्रमांक 152 की नगर सेविका आशा मराठे जी द्वारा मातोश्री रमाबाई अस्पताल में एवं मां अस्पताल के मरीजों में केक एवं फलों का वितरण किया गया। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्य सम्पन्न किया गया। इस दौरान वहाँ उपस्थित बीजेपी नगर सेविका आशा मराठे जी का क्या कहना था, आइए जानते हैं। भारत रत्न आणि माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींना मी विनम्र अभिवादन करते। आज त्यांचा जन्मदिवस आहे, त्यानिमित्ताने आम्ही सर्वांनी भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यालयामधून सर्व म्हणजे देशभरात आज कार्यक्रम चालू आहेत आणि आम्हाला माहिती आहे की आपण कामं करायचे आहेत आणि लोकांपर्यंत पोचायचं आहे आणि गरिबांना जेवढी होईल तेवढी आपण मदत करायची, तर त्या हेतूने आज आम्ही रुग्णांना फळ वाटपाचा कार्यक्रम 152 वार्डतर्फे घेतलेला आहे आणि सर्व भाजपचे कार्यकर्ते पदाधिकारी सर्व आलेले आहेत। मी त्यांचे खूप खूप आभारी आहे मनापासून आणि त्याचबरोबर 25 डिसेंबर आज ख्रिसमस दिवससुद्धा आहे आणि नवीन वर्षसुद्धा आहे येणार आहे, तर ख्रिसमसच्या आणि नवीन वर्षाच्यासुद्धा मी सर्व भाविकांना जनतेस शुभेच्छा देते। इसी प्रकार वहाँ पर बीजेपी से जुड़े पदाधिकारियों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई के सम्माननीय अध्यक्ष एडवोकेट आशीष जी सेलार साहब, इनके आदेश से सभी मुंबई भर आज अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर अलग अलग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। चेंबूर में भी यहाँ के वार्ड नगर सेविका 152 के वार्ड के नगर सेविका आशा मराठे मैडम ने उनके नेतृत्व में यहाँ के सभी आप देख रहे हैं कि युवा जनता के युवा मोर्चा के असंख्य कार्यकर्ता पश्चिम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, व्यापारी सेल के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, सभी तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस वार्ड के यहाँ हॉस्पिटल में उपस्थित हैं। इसके पहले भी हमने चेंबूर के माता रमाबाई हॉस्पिटल में प्रसूति गृह है उसमें फल और केक बांटने का कार्यक्रम किया। आज हम वो सब खत्म होने के बाद यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, तो हम यही चाहते हैं और हमें जो शिक्षा दी गई है स्वर्गीय अटल जी ने कि गरीबों के हित में जो भी करना आपको कदम उठाना है, गरीबों के हित में काम करना है, सबका साथ सबको लेके विकास करना है, यही हमारी धारणा है। हम कोई जात पात धर्म के लोगों को न देखते हुए, अभी आपने देखा कि रोग अलग अलग धर्म के थे, पंथ के थे, प्रांत के थे, हम किसी को देखा नहीं, तो हमें जो शिक्षा मिली है कि यही है कि सबको सब भारतवासियों को साथ में लेके उनको चले और उनकी मदद करे, उनका विकास करे, यही एक संदेश उनका था और वो संदेश हम इस जरिए लोगों तक और रुग्णों को शुभकामना देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। क्या कहेंगे, भारत सरकार ने कल 100 रुपये का कॉइन सिक्का लॉन्च किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर और उनका चित्र और उनका फोटो रहेगा उसमें। बिल्कुल सही है, कदम उठाया है और बहुत पूरे भारतवासियों की ये मांग थी जो आज मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने उनको मांग को पूरा किया है। अब हम खुश है और भारत की जनता भी इसके ऊपर खुश है। नमस्कार, आज हमारे माननीय माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती दिन के निमित्त हम इस हमारी नगर सेविका आशाताई मराठे जी के नेतृत्व में फल और केक का वाटप किया है। इसी तरह से उन्होंने चेंबूर नाका के रमाबाई हॉस्पिटल में वाटप करने के बाद हम यहाँ महा हॉस्पिटल में वाटप करने के लिए आए हैं। अटल जी के जयंती के निमित्त हमने ये संकल्पना की है कि हम लोग गरीब लोगों में जाके फल बांटेंगे। कैमरामैन संदेश के साथ विक्रम सिंह पुड्डी, SCN TV न्यूज़ मुंबई।